और कब रिटर्न में देखने के लिए मिलेगी ये फिर मैं आप लोग को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप लोग को इफेक्ट टोकन स्टोर में आप लोग को कौन सा न्यू बंडल देखने के लिए मिलेगा इफेक्ट टोकन से एक्सचेंज करने को ये फिर मैं आप लोग को आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और साथ में आप लोग को प्लेफुल स्पेशली ये सब बंडल है इसका रिंग रिफंड आप लोग को कौन से दिन देखने के लिए मिलेगा ये फिर मैं आप लोग को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ में आप लोग को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप लोग को जॉब रिफंड से मिलेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लोग को इस कार्ड के लेजेंड ही इनके स्किन का रिंग रिफंड देखने के लिए मिलेगा। सो इसके अंदर में आप लोग को इस रिंग इवेंट के अंदर में अपने इवेंट स्पेशली जो इस कार के लेजेंड ही इनके स्किन साथ में आप लोग का जो टेनन की स्कार है इसके जो स्किन आई थी इनक्यूबेटर के अंदर में वो सारे स्किन आप लोग को इस रिंग इवेंट के अंदर में देखने के लिए मिलेगी। और साथ में जो न्यू आने वाला है रामधन इवेंट तो स्पेशली वो भी आप लोग को इस रिंग इवेंट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो टेनन की स्कार के जो रिटर्न के जो यहाँ पे रिंग इवेंट है ना ये आप लोग को 13 अप्रैल को 100% कंफर्म इंडिया सर्वे के अंदर आप लोग को ये रिंग इवेंट देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके बाद में आप लोग को नेक्स्ट यूनिवर्सल टोकन का यहाँ पे रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगी। सो यूनिवर्सल रिंग इवेंट है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर आप लोग को ये सो किंग और जोकर वाला बंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी अप्रैल फुल स्पेशली बंडल। साथ में अप्रैल फुल स्पेशली आप लोग को इसे यहाँ पे देख रहे हो कुलवल की स्किन ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी बंडल के साथ में। सो कुलवल की स्किन है ये भी कलर चेंज करता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और ये रिंग इवेंट में आप लोग का जो यहाँ पे कैरी की स्किन है साथ में आप लोग का जो इमोट है वो भी एक्टिव इमोट है। इस इमोट को करोगे तो आप लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हो। सो इमोट कैरी की स्किन कुलवल की स्किन और प्लेसफुल स्पेशली आप लोग का जो बंडल है इसका रिंग इवेंट आप लोग को इनिशियल रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा जो आप लोग को 22 अप्रैल के बाद में देखने के लिए मिल जाएगा। 22 से 30 अप्रैल के बीच में आप लोग को सो यहाँ पे बंडल अप्रैल फुल स्पेशली इसका रिंग इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 17 अप्रैल को ये वाले जो एक्समेट की एन एस की एन के स्किन आप लोग को विंट्री की थीम में देखने के लिए मिल जाएगी। और आप लोग एक्समेट की सोन की स्किन है आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा है उतना फिर ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट नहीं है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा है। और इसका जो एटीफर्स वगैरह है ये तो आप लोग नीचे में देख सकते हो मैगजीन डबल प्लस है रिटोफायर प्लस है और लोड स्पीड माइनस है। जो एटीफर्स है ये भी ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है और जो वन की स्किन है वो देखने में थोड़ी अच्छी खासी है। बाकी आप लोग ये जो एक्समेट है इनके स्किन है इसको आप लोग 17 अप्रैल को वेपन रॉयल के अंदर से निकाल सकते हो मतलब लकड़ रॉयल के अंदर से आप लोग कुल से स्पिन करके या फिर लकड़ रॉयल बहुत से स्पिन करके आप लोग जो ये वाली स्किन है इसको निकाल पाओगे। आप लोग को नेक्स्ट ईयर लकड़ रॉयल के अंदर में गन की स्किन देखने के लिए मिलेगी वो आप लोग को एक्समेट की देखने के लिए मिलेगी इंडिया सर्वे के अंदर में। और आप लोग को 12 अप्रैल को देखने के लिए मिल जाएगा डबल डायमंड टॉपअप फ्रेंड्स जिसके अंदर 100 डायमंड टॉपअप करोगे आप लोग तो 108 मिलेगा। और 100% वाले शॉक ऑफ फ्रेंड आप लोग को 12 अप्रैल को 100% कंफर्म भी देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया सर्वे के अंदर में। और बात करें आप लोग का जो यहाँ पे ब्लैक टी सेट है कि आप लोग को रिटर्न में कब देखने के लिए मिलेगा तो देखो गाइस अभी नहीं अभी कुछ टाइम पहले से बाहर के सर्वर है इसमें फैट फेल हो गया रिंग इवेंट हो गया ब्लैक टी सेट को सारे इवेंट्स में रिटर्न में किया जा रहा था बट इंडिया सर्वे में अभी तक जो ब्लैक टी सेट है इसको रिटर्न में नहीं किया है। सो आप लोग को यहाँ पे जो मानसून के जो आइटम्स आने वाले ओल्ड वाले आप लोग को रिटर्न में कंफर्म भी देखने के लिए मिलेगा अभी 44 अपडेट के बाद में क्योंकि अपडेट के बाद में आप लोग को मानसून थीम में और एक नया बंडल देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मेल का बंडल होने वाला है और मेल का जो मानसून थीम में न्यू बंडल आने वाला है वो आप लोग देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है एकदम। और मेल का जो बंडल है ये बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है क्योंकि नया स्टाइल में बनाया और पीछे क्या ही चमक रहा है फिर चश्मा वश्मा भी है और गले में क्या ही मस्त लग रहा है पूरा एक पूरा जो बंडल है मेल का वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है एकदम। और फिर आप लोग को मानसून थीम में और यहाँ पे एक फीमेल का भी बंडल देखने के लिए मिलेगा। सो फीमेल का बंडल तो वैसे क्या ही बोलूँ क्या ही मस्त लग रहा है एकदम पीछे में क्या ही गोल गोल हो रहा है और गोल गोल घूम रहा है और चमक फिर रहा है उसका जो हेयर स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फीमेल का जो बंडल है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेल से भी अच्छा है इसका बंडल है। और फिर यहाँ पे आप लोग को मानसून में जो गाड़ी की स्किन है बाइक की स्किन है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। सो ओवी 44 अपडेट के बाद तो आप लोग को यहाँ पे मानसून में एक बैकपैक सॉरी लूट बॉक्स पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और
सो ओल्ड वाले सो बंडल से मानसून दिखे। सिम में सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक फीमेल का बंडल है और साथ में सब दो मेल के बंडल से और एक आप लोग यहाँ पे मानसून थीम में जो टी शर्ट है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल रही है ब्लैक टी शर्ट के टाइप में। सो आप लोग को यहाँ पे जो मानसून का इवेंट आने वाला है मानसून थीम के जो आइटम आएंगे उनके साथ में आप लोग को जो यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट है और व्हाइट टी शर्ट है ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है रिटर्न में, क्योंकि बाहर के सर्वर में यहाँ पे मानसून थीम के आइटम के साथ में रिटर्न में किया गया है। सो ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट आप लोग को मानसून के आइटम के साथ में वो भी 44 अपडेट के बाद में रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट को लेके जैसे ही कंफर्म मैनर या फिर कंफर्म डेट फिगर आएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और अपडेट के बाद में आप लोग को यहाँ पे सो नाइट पैंट है या आप लोग को यहाँ पे शोर के अंदर में 8 देखने के लिए मिल सकता है। सो पैंट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खान सा पैंट है। सो 8 हो सकता है पॉसिबल है। और जो फिर 44 अपडेट के बाद में आप लोग को एक नया लेक जवाब देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आप लोग को जो 1 पंच की जो आप फिश के स्किन है 1 पंच मैन की वाली आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है। और साथ में आप लोग को यहाँ पे से फिश के स्किन आप लोग ये वाले देख रहे हो ये वाले भी आप लोग को रिजन में देखने के लिए मिल सकती है। और साथ में आप लोग को तो और फिश के स्किन देखने के लिए मिलेगी सो अभी कंफर्म नहीं है। सो इलेक्ट्रॉल पॉसिबल है और साथ में आप लोग को अपडेट के बाद में जो P90 की जो 1K स्किन है इसका भी इलेक्ट्रॉल पॉसिबल है कि आप लोग को देखने के लिए मिल सकेगा जिसके अंदर आप लोग का जो P90 की 1K स्किन है इसके लिए से 10K स्किन आप लोग को देखने के लिए मिल जा रही है। और 10K स्किन तो अच्छी खासी है देखने में और इसका जो एडिवर्स वगैरह है ना 10K स्किन में एडिफेस वगैरह भी अच्छा खासा है क्योंकि यहाँ पर डबल डैमेज मिल सा रहा है। सो ये सो इलेक्ट्रॉल है ये सारे इलेक्ट्रॉल आप लोगों को पॉसिबल है कि आप लोग को अपडेट के बाद में P90 की नहीं तो आप लोगों जो फिश के स्किन है इसके आप लोग को इलेक्ट्रॉल देखने के लिए मिल सकता है। और अपडेट के बाद में आप लोग को मुकेश्वर के अंदर जो इफो विन के जो टोकन है ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है वो भी 100 टोकन। और साथ में जो इफो गन है ये भी आप लोग को निकालने का मौका मिल सकता है। सो मुकेश्वर में तो आप लोग को पता ही 1100 डायमंड लगता है। सो मुकेश्वर के अंदर से आप लोग को 100 टोकन और साथ में आप लोग को यहाँ पे जो गन है इफो वाले ये भी आप लोग को निकाल सकती है। सो मुकेश्वर के अंदर में जो वन के स्किन है इफो वाली ये इंडिया सर्वर में आएगी तो मजा ही आ जाएगा। बट ये सो एक सर्वर में अभी आया है सो ये जो इवेंट है मुकेश्वर इसको अभी करीना वाले टेस्टिंग मतलब ट्राई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोग को इंडिया सर्वर में फिर देखने के लिए मिलेगा बाकी अभी कंफर्म नहीं है। और अभी 44 अपडेट के बाद में आप लोग को ज़ॉम्बी हंट मोड रीजन में देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग को जो पुराना ज़ॉम्बी वाला सो बंडल है सो आप लोग को ज़ॉम्बी टोकन एक्सचेंज करने पर बिल्कुल ही फ्री में मिलता था ये सो बंडल है ये आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी रिटर्न में आएगा तो फ्री में नहीं आएगा। आप लोग को रिंग रिफंड या फिर किसी पे फंड में आप लोग को जो ज़ॉम्बी वाला बंडल है ये आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। और ज़ॉम्बी का सो यहाँ पे हंट मोड है ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर सिर्फ आप लोग को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेगा। आप लोग को जो ड्रैगन है ये देखने के लिए मिलेगा और सो ज़ॉम्बी हंट मोड है इसको खेल के आप लोग को जो आइटम बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा वो भी कंफर्म हो चुका है। सो मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में कल बता दूंगी। सो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लेकिन रखो और ज़ॉम्बी हंट मोड स्टार्ट होगा तो उसके साथ में आप लोगों का जो प्लेस स्क्वाड है फिर यहाँ पे सो क्लासिक है क्लासिक मतलब आप लोगों का जो बैटल रॉयल है क्लेस स्क्वाड है इसके अंदर फिर आप लोगों का जो ड्रैगन है रोबोट वाला ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो क्लेस स्क्वाड के अंदर तो यहाँ पे उड़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा और सो VR है VR के अंदर आप लोग को यहाँ पे ड्रैगन को मारना पड़ेगा। सो वो भी 44 अपडेट के बाद में आप लोग को सीधा से ज़ॉम्बी इवेंट है ये आप लोग को शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग को यहाँ पे सो लाइक ये फिल डिस्काउंट इवेंट है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगी और ये कंफर्म हो चुके हैं। सो लाइक ये फिल डिस्काउंट इवेंट आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में 5 मई को देखने के लिए मिलेगा 5 या फिर 4 मई को आप लोग को सो लाइक ये फिल डिस्काउंट इवेंट है ये आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल सकेगा जिसके अंदर में आप लोग ये सो दोनों ही बंडल देख रहे हो। सो अभी 43 अपडेट का बंडल है सो अभी पेंडिंग में पड़ा है। सो ये दोनों ही बंडल आप लोग को सो लाइक ये फिल डिस्काउंट इवेंट है इसके अंदर में आप लोग को देखने को मिल सकेगा। और साथ में आप लोग यहाँ पे सो इमोट फिक रहा है ये भी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर में आप लोग का जो दिल वाला इमोट है और साथ में आप लोग को यहाँ पे जो नेम चेंज कार्ड वगैरह क्रिएट वगैरह है उगल वाले के स्किन है फिर आप लोग को बहुत सारे क्रिएट वगैरह बहुत सारा कुछ यहाँ पे आइटम वगैरह मिल रहा है। सो लगे फिर इसका डिफरेंट आप लोग को 4 या फिर 5 मई को आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना फूल नहीं और सब पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पैर पैर से लेना तो चलो एक छोटा बाय बाय।